हुस्न, सबर और मुकद्दर की ये लाजवाल दास्तान शुरू हुई थी एक छोटे से बच्चे के एक अनोखे से ख्वाब से। वो बच्चा जो अपने बाप की खास शफकत में पल रहा है, उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसके बारे में उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें कहा कि इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना और खास तौर पर अपने भाइयों से इसका जिक्र मत करना, क्योंकि वो जानते थे कि इनके भाई इनसे बहुत हसद करते हैं। और इसी हसद के बिना पर उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा हुआ था, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, और एक काफला यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से ले गया मिस्र और वहाँ जाके बेच दिया। वहाँ से अजीजे मिस्र ने खरीद कर शाहाना जिंदगी में उनकी परवरिश की। लेकिन जब वो जवान हुए तो एक और आजमाइश उनके सामने खड़ी थी, उनकी अपनी ही माँ की तरह परवरिश करने वाली औरत की निगाह, उनका ख्यालात, उनके जज्बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बदल गए, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश बने, जिसका नतीजा एक कैद के तौर पर निकला। फिर उस कैद से आजादी मिली उन्हें एक ख्वाब की ताबीर की सूरत में। बादशाह उन्हें अपने ख्वाब की ताबीर जानने के बाद अपने हम मनसब बना लेते हैं, और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के दौरानिए का पूरा इंतजाम संभालते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो मिस्र को इस क्राइसिस से निकालते हैं, बल्कि आस पास की सारी दुनिया की भी एक तौर पर मदद होती है उस सिचुएशन के अंदर। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की सालों बाद दोबारा से मुलाकात होती है अपने भाइयों से, लेकिन वो इंतहाई सब्र का मुजाहिरा करते हैं, उन पर कुछ जताते नहीं हैं, और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि जब दोबारा आना तो बिन्यामीन को भी साथ लेकर आना। अगली बार जब बिन्यामीन भी साथ आते हैं तो बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लग जाता है, जिसके बाद वो भाई जब बिन्यामीन को वापस नहीं लेकर जाते तो याकूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस पर वो दोबारा आकर दरबार यूसुफ में इल्तजा करते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेहरबानी करें और हमारे भाई को आजाद कर दें। अब बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है और उनके भाई दोबारा से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कहने पे उनको आजाद करवाने के लिए दरबार में आ चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि बिन्यामीन को जिस इल्जाम में पकड़ा गया है, क्या वाकई वो इल्जाम सच है? क्या बिन्यामीन ने चोरी की थी? तो इसका जवाब है नहीं, बिन्यामीन ने चोरी नहीं की थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से अकेले में मिले थे, उन्हें सारा सच बताया था और साथ जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन की थी उसमें उनको यही बताया था कि कुछ देर बाद वो ये सब करने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद किसी हिकमत के तहत ही बिन्यामीन के थैले में वो प्याला रखा या रखवाया था, बिन्यामीन ने ये चोरी नहीं की थी। बरादरान यूसुफ जब बिन्यामीन के लिए यूसुफ के सामने इल्तजा कर रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो मंजर लहरा रहे थे जब वो इन्हीं 10 भाइयों के सामने अपनी रिहाई के लिए अपने ऊपर रहम की इल्तजा कर रहे थे, लेकिन इन भाइयों ने उन पर रहम नहीं किया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद मोहतरम के बारे में सुना तो यूसुफ का दिल भर आया, और ये वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों से कहा, जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? जब उन भाइयों ने ये अल्फाज सुने तो उनकी तो एक बार जमीन ही घूम गई कि वो वाकया तो सिर्फ हमें पता है, हमारे अलावा तो किसी को नहीं पता। उस वक्त तो हम 10 भाइयों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, और उन भाइयों के आंखों के सामने भी वही मंजर दोबारा से आना शुरू हो गया। वो छोटा सा बच्चा जिसके इतना ज्यादा इसरार करके अपने वालिद के साथ वो उसे चरागाह में लेकर गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने जो साजिश की और एक चीखते चिल्लाते बच्चे को घसीटते हुए कुएं में डाल दिया, उस छोटे से बच्चे की शबीह जब उन लोगों की आंखों के सामने आई तो वही नए नक्श उस सामने तख्त पे बैठे हुए शख्स के उन्हें नजर आए, तो उस वक्त उन लोगों को समझ में आया और उन्होंने एक जुबान होकर बोला कि कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं, कहीं आप ही तो हमारे वो भाई नहीं जिसे हमने अंधे कुएं में डाल दिया था। तो उस वक्त यूसुफ ने कहा, हाँ हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, मैं ही वो यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने अपने हसद, कीने और बुगज के तहत उस अंधे कुएं में डाल दिया था। तुम लोगों ने मुझ पे जुल्म किया, तुम लोगों ने अपना हसद दिखाया, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचाया, मेरे रब ने मेरे साथ अच्छा किया। तुमने अपनी नियतों में फतूर रखा, पर मेरे रब ने मेरी हिफाजत की और ना सिर्फ मुझे उस कुएं से बचाया, बल्कि आज देखो मुझे मिस्र के तख्त का वाली बना दिया। उन भाइयों ने जब ये देखा
तो सारे अपने सर झुका के नदामत से अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सब ने अपने गुनाह का इकरार किया, हाँ हम खताकार थे, हमने आपसे हसद किया, हमने आपको उन मोहब्बतों से महरूम करना चाहा जो आपको तब मिल रही थी, हमें हमारे हसद ने अंधा कर दिया था, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमें माफ कर दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को गुनाह का ये इकरार सुना तो क्या जवाब दिया? क्या वही किया जो भाइयों ने किया था? नहीं, ये है अल्लाह के नबियों की शान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज कहे, कुरान ने उन्हें आज तक जिंदा रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। और इन अल्फाज को सिर्फ कुरान ने याद नहीं रखा, हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का बनकर मक्का लौटे थे, उन लोगों के पास लौटे थे जिन्होंने आप पर जिंदगी तंग कर दी थी, मक्का फतेह करने के बाद मेरे नबी ने भी यही अल्फाज फरमाए थे कि बिल्कुल इसी तरह मैं वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। ये अल्फाज जिंदा जावेद मिसाल बन गए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी, कि किस तरह रब पर उनकी अनायतों पर यकीन करने वाले अपने साथ हद से ज्यादा जुल्म करने वालों को भी माफ कर दिया करते हैं। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और साथ ही उन्हें अपना कुर्ता देकर बोला कि जाओ जाओ मेरा ये कुर्ता ले जाओ, हमारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दो, अल्लाह के हुक्म से उनकी बेनाई लौट आएगी। और उसके बाद उनको और अपने सारे खानदान को लेकर यहीं मिस्र मेरे पास आ जाओ, यहीं इस शाही महल में तुम मेरे साथ रहोगे। भाइयों को तो एक तरफ माफी का मजदा सुना दिया गया था और उसके साथ साथ उन्हें शाही खानदान का हिस्सा बनने की भी खुशखबरी सुनाई गई थी। इस तरह भी कोई नवाजता है। बहरहाल वो भाई फिर से रखते सफर बांधते हैं अपने घर की तरफ। घर जाते हैं, अपने भाई का कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डालते हैं, अल्लाह के हुक्म से याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस लौट आती है। और उस वक्त फिर ये सारे खानदान को इकट्ठा करते हैं, तकरीबन 72 लोगों का ये काफिला मिस्र की जानब रवान दवा है। कुछ दिनों पहले कहत से मारे हुए ये लोग अब एक शाही खानदान का हिस्सा हैं, अब ये एक शाही माहौल में रहेंगे, इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को तो खुशी है अपने बेटे से मिलने की, याकूब अलैहिस्सलाम को तो खुशी है अपने इतने सालों के सब्र के फल की, याकूब अलैहिस्सलाम तो दीदार करना चाहते हैं अपने बेटे का। और ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि मेरे रब ने उन पे जो रहमत की थी कि इतने सालों बाद उनकी बेनाई लुटाई थी, तो यकीनन वो अपने उस बेटे का रानी मुखड़ा देखने के लिए ही लौटाई होगी। याकूब अलैहिस्सलाम दरबारे यूसुफ में पहुंचे, अपने बेटे को उस शाहाना माहौल में उस तख्त पर बैठे देखा, जाकर अपने बेटे का चेहरा चूमा, उनको मिले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पूरे इज्जत और एहतराम के साथ अपने साथ तख्त पर बिठाया। अब पूरे का पूरा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा है। वो 10 भाई शर्मिंदगी में डूबे हाथ जोड़े अपने भाई के सामने खड़े हैं। तब हजरत याकूब अलैहि सलाम ने कहा, यूसुफ याद है ना, कुछ याद है जब तुम बहुत छोटे थे, तुमने एक ख्वाब देखा था, तुमने कहा था कि बाबा एक बहुत अजीब ख्वाब देखा है, सूरज है, चांद है, 11 सितारे हैं, मेरे सामने झुके जाते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि यूसुफ इस ख्वाब को किसी को ना बताना, ये है तुम्हारे ख्वाब की वो ताबीर कि जो तब चांद सितारे तुम्हारे सामने झुके जाते थे, आज तुम्हारे भाई तुम्हारा लाख बुरा चाहने के बावजूद, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारे ये भाई तुमसे हसद के बावजूद आंखें झुकाए, नजरें झुकाए, शर्मिंदगी में डूबे तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये है तुम्हारे उस ख्वाब की ताबीर। ये था वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। वाकया तो आपने सुन लिया, लेकिन इसमें मरहले मरहले पर जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। इस पूरे वाकये में जगह जगह पर कहीं सब्र की मिसालें मिलती हैं, तो कहीं तवक्कुल की मिसालें मिलती हैं, कहीं किरदार की पाकीज़गी इतनी नुमाया होती है कि शहाना माहौल को ठोकर मार दी गई, लेकिन अपने किरदार पर हर्फ नहीं आने दिया गया। एक मुसलमान की पाकीज़गी का यही लेवल होना चाहिए कि वो जिंदगी की हर आसाइश को ठुकरा दे, पर अपनी इज्जत, अपनी पाकीज़गी,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ना आने दे। इस कहानी से जहाँ ढेरों सबक मिलते हैं कि हसद और दूसरों की खुशियों पर नजर लगाने का क्या अंजाम होता है, जहाँ हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल हो, अगर अपने अल्लाह ताला पर ये यकीन हो कि जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो रब मेरा अजर जाया नहीं करेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम की तरह 40 साल बाद भी बंदा अपने बेटों तक पहुंच जाता है। अगर अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी, अंधे कुओं का सफर तय करने के बावजूद भी, गुलामी और कैद बर्दाश्त करने के बावजूद भी तख्ते शाही पर मुतमक्किन हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी सिर्फ आपके लिए कहानी नहीं होगी, इससे कोई एक सबक आपको भी ऐसा जरूर मिला होगा जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल देगा। इंशाल्लाह अगली किस्त में एक नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।